शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की पहल से अब दुर्ग निगम ने शहर के सभी वार्डों से कचरा उठाने 27 नई गाड़ियों को सौगात दी है, जिसका विधायक, महापौर व निगम आयुक्त ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दुर्ग निगम अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के उद्देश्य को लेकर दुर्ग निगम में करीब 2,26,74,000 रुपए की लागत से 27 नई कचरा कलेक्शन मिनी टिप्पर गाड़ी दुर्ग निगम में खरीदी गई है। बता दें, दुर्ग शहर देश के टॉप 1 में स्वच्छ शहरों की रैंकिंग में पहुंचने अपना प्रयास जारी रख कार्य को अंजाम दे रहा है। इसी कड़ी में विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल, आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने 27 नई कचरा कलेक्शन मिनी टिप्पर टाटा एस गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई और इसी क्रम में खुद शहर विधायक अरुण वोरा ने और महापौर धीरज बाकलीवाल ने वाहन चलाकर विधिवत इसका शुभारम्भ किया। जब से प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी है, माननीय विधायक अरुण वोरा जी के नेतृत्व में लगातार दुर्ग शहर में विकास की गंगा बह रही है। स्वच्छता में भी आप देखते हैं लगातार हमारा रैंकिंग में सुधार आ रही है, चाहे ODA +++ हो, चाहे 3-स्टार रेटिंग हो, हर साल हम लोग आगे के पायदान में आ रहे हैं। तो उसी को देखते हुए अभी 27 वाहन क्रय किए गए हैं, लगभग 2,26,00,000 के आसपास के हैं, 8,40,000 रुपये के एक वाहन है। और उपदेश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी समय पे वार्डों में गाड़ी पहुँचे और जो कचरा डंप होता है उसे उठा के लाया जाए। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।